विधायक सुमित्रा कास्टेकर द्वारा फर्जी अंक सूची लगाकर गैस एजेंसी का आवेदन लगाए जाने की शिकायत पर मामला बुरहानपुर जिला न्यायालय पहुंचा था। फर्जी अंक सूची को लेकर न्यायालय में चल रहे मामले में बयान देने महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के अफसर पहुंचे। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रवीण काटकर ने फर्जी अंक सूची के आधार पर गैस एजेंसी आवेदन लगाने की शिकायत की थी। ये मामला फिलहाल न्यायालय में चल रहा है। फर्जी अंक सूची मामले को लेकर कई बार शिकायत और जांच भी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं होने पर यह मामला न्यायालय में पहुंचा। विधायक सुमित्रा कास्टेकर का मायका महाराष्ट्र का है और उन्होंने वहीं कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की है। इस मामले में महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के अफसर और शिकायतकर्ता के भी बयान हुए। शिकायतकर्ता प्रवीण काटकर ने बताया कि विधायक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी अन्य 10वीं उत्तीर्ण छात्रा सुनीता डाचू बेटेकर के नाम से अपना सुमित्रा लाभू सेमलकर लिखकर कूट रचित करके इस बात का लाभ लिया। सुमित्रा देवी कार्तिकर द्वारा किसी और की मार्कशीट पर अपना नाम लिख करके गैस एजेंसी ली है। उस संबंध में न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। उस संबंध में आज जो है थाना प्रभारी खकनाथ और महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के द्वारा नीलेश ठाकरे को आज बयान के लिए यहाँ भेजा है। उनके आज न्यायालय में बयान दर्ज होंगे। क्या लगता है कि वो फर्जी मार्कशीट को वेरीफाई किया है महाराष्ट्र बोर्ड ने? वो न्यायालय में आज बयान देने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वो आज तो बयान आपने क्या याचिका लगाई थी? मेरे द्वारा याचिका ये लगी थी कि उन्होंने किसी और के मार्कशीट पर अपना नाम लिखा है। उन्होंने सुमित्रा देवी ये कहाँ पे लगाई थी? उन्होंने इसका उपयोग कहीं किया है मार्कशीट का? इन्होंने इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी के लिए किया था, जो बाद में जाँच के बाद जो मार्कशीट गलत पाई गई थी, और इसकी जानकारी भाजपा और कांग्रेस के सभी दलों को इसकी जानकारी थी। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्यवाही करते हुए पूरे भारत में ठगी के मामले में फरार चल रहे टेलीकॉम कंपनी के 0 to POS एजेंट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल स्नैपडील के नाम से संचालित ई कॉमर्स कंपनी की डीलरशिप दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी के संचालक आरोपी और 0 to POS एजेंट सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों POS एजेंट के द्वारा अमेजोन से सिम कार्ड लेते वक्त EKYC सहित कई अन्य तरह के झूठ बोलकर एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड प्राप्त कर उन सिम कार्ड को ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए फर्जी कंपनियों की सिम उपलब्ध कराते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी रणवीर पटेल और गणेश यादव मुंबई, महाराष्ट्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अलावा पूरे भारत में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने इंदौर से राहुल नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। लगातार उनको मतलब लोगों को आवेदकों को ठगी का शिकार बनाया गया था, जिसमें महाराष्ट्र मुंबई के आरोपी हैं, लखनऊ यूपी के आरोपी हैं और हैदराबाद के भी आरोपी हैं। तीनों स्टेट के जो आरोपी थे उनके द्वारा थाना क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की गई थी। इस पर से क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया था, जिसमें मूल आरोपी जो पहले पकड़ा जा चुका था, इसमें 2 अन्य आरोपी जो कि फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे जो ग्राहकों को कॉलिंग करने के लिए, उनको ठगने के लिए फर्जी सिम कार्ड, वो टेलीकॉम कंपनी के POS के कर्मचारी हैं। उन दोनों को आरोपियों को बोलते हैं जबलपुर के रहने वाले, उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर इनके द्वारा जो पूरे भारतवर्ष में आवेदकों के खिलाफ, विक्टिम पीड़ितों के खिलाफ लगातार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स में इनके द्वारा डीलरशिप के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें से कि पूर्व में इनका मूल आरोप जो मेन आरोपी था मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, जिसमें 2 कर्मचारी POS के जो कि टेलीकॉम कंपनी काम करते हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने दुबई पहुंचेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस सहित कई राष्ट्र प्रमुख और विश्व नेता भाग लेंगे। वहीं इंदौर के योगदान पर प्रेजेंटेशन के लिए महापौर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। भारत की बेस्ट स्मार्ट सिटी इंदौर ने वायु गुणवत्ता सुधार, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मोर्चों पर बड़ी सफलता हासिल की है। भार्गव लोकल क्लाइमेट एक्शन समिट में इंदौर की इस सफलता और अनुभवों को साझा करेंगे। इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मुकाबले के लिए होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन COP 28 में इंदौर का नाम रोशन होगा। आयोजन के दौरान क्लाइमेट एक्शन को लेकर अच्छा काम कर रहे दुनिया के विभिन्न देशों और शहरों के प्रतिनिधि समूह चर्चा में भाग लेंगे। ये प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन से जुड़े अलग अलग मसलों से निपटने में अपने महत्वपूर्ण वादों और कार्यवाही का ब्यौरा देंगे। भार्गव के मुताबिक इंदौर के मौजूदा क्लाइमेट टारगेट्स की जानकारी देते हुए बताएंगे कि हम साझेदारी और सहयोग के जरिए इन्हें कैसे हासिल करेंगे। इसमें इंदौर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ साझेदारी और सहयोग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तौर तरीकों का जिक्र शामिल होगा। वर्ल्ड एक्शन क्लाइमेट समिट जो कि COP 28 का ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है,
जो दुनिया भर के क्लाइमेट इश्यूज पर बात करता है, चिंता करता है और उसके हल खोजने का भी काम करता है। इस बार यह सम्मेलन दुबई में आयोजित हो रही है। मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मुझे देश के सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्मार्ट शहर, वाटर प्लस शहर और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर वन शहर के प्रतिनिधि के रूप में क्लाइमेट के सुधार के लिए, वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए बात रखने का अवसर मिल रहा है। इस बात का भी सौभाग्य है कि इस COP28 के समिट को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संबोधित करेंगे और भारत ने दुनिया में लाए परिवर्तन पर अपनी बात रखेंगे। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है।